उत्तर प्रदेश में होने वाला उपचुनाव दो खेमों में बढ़ता नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा से जुड़ी सीट पर बीजेपी ने उपेंद्र शुक्ला को प्रत्याशी बनाया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने प्रवीण निषाद को प्रत्याशी बनाया है। बहुजन समाज पार्टी ने भी प्रवीण निषाद को समर्थन देने का फैसला किया है। इस सीट पर बीजेपी हमेशा की तरह जहां हिंदुत्व के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ रही है, वहीं सपा बसपा की दोस्ती वाले खेमे ने निषाद समाज से प्रत्याशी चुनकर जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की है। गोरखपुर लोकसभा सीट के इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि यहां हमेशा हिंदू कार्ड खेलने वाला प्रत्याशी बड़े अंतर से जीतने में सफल रहा है। साल 1998 से योगी आदित्यनाथ खुद बड़े अंतर से चुनाव जीत कर यहां से संसद पहुंचते रहे हैं। महज एक बार ऐसा वाक्य हुआ जब योगी आदित्यनाथ को इस सीट पर चुनौती मिली। 1967 के आम चुनाव में गोरखनाथ मंदिर के प्रमुख महंत दिग्विजयनाथ हिंदू महासभा के टिकट पर गोरखपुर के सांसद बने थे। इसके साथ ही गोरखपुर की राजनीति में मंदिर का प्रभाव आ गया था। उन्होंने बताया कि गोरखनाथ की राजनीति में मंदिर का प्रभाव आने के साथ ही यहाँ हमेशा से हिंदुत्व का कार्ड खेलने वाले प्रत्याशियों को जीत मिली है। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की सीट से 5 बार सांसद बने हैं। इनमें से 4 बार उनका मुकाबला जमुना प्रसाद निषाद और उनके परिवार से रहा है। एक बार पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी से योगी का मुकाबला हुआ। शुरुआती 2 चुनाव में जमुना प्रसाद निषाद ने योगी आदित्यनाथ को कड़ी टक्कर दी। 1998 के चुनाव में जीत हार का अंतर महज 26,000 वोटों का रहा। इसके अगले साल 1999 में दोबारा चुनाव हुए तो योगी आदित्यनाथ को जमुना प्रसाद निषाद ने और भी कड़ी टक्कर दी और जीत हार का अंतर महज 7,000 पर ही सिमट गया। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीट पर सपा बसपा के मिलने से योगी को कड़ी टक्कर मिलती दिख रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।